हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बनास नदी क्यों फोन में फंसे दंपत्ति, बबूल के पेड़ पर बैठकर बचाई जान। मौके पर पहुंचे तहसीलदार, पालिका अध्यक्ष व शहर थाना अधिकारी। गोताखोरों की मदद से दंपत्ति का किया गया रेस्क्यू। आबू रोड अंचल में रात भर चली बारिश के चलते बनास नदी अचानक उफान पर आ गई। आनंदेश्वर मंदिर के पीछे नदी के बीच झोपड़ा बनाकर रह रहे दंपत्ति फंस गए। सूचना पर तहसीलदार, पालिका अध्यक्ष व थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से दंपत्ति का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। दंपत्ति के सकुशल नदी से बाहर आने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। अबुर्दांचल में बीते दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसी के चलते मंगलवार देर रात से शुरू हुआ मूसलाधार बारिश का दौर बुधवार सुबह तक जारी रहा। लगातार बारिश के चलते रजत कानों को तरसती बनास नदी में अचानक पानी की आवक शुरू हो गई। देखते ही देखते नदी उफान मारने लगी। नदी में अचानक तेज बहाव के चलते आनंदेश्वर मंदिर के पीछे झोपड़ा बनाकर रह रहे ताराचंद भील व उसकी पत्नी गीता देवी फंस गए। नदी के बहाव में फंसे दंपत्ति बबुल के पेड़ पर जाकर बैठ गए। दंपत्ति के नदी में फंसे होने की सूचना मिलते ही तहसीलदार रामस्वरूप जौहर, नगर पालिका अध्यक्ष मगनदान चारण व शहर थाना अधिकारी सरोज बैरवा मौके पर पहुंचे। नदी में फंसे दंपत्ति का रेस्क्यू की कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन की ओर से गोताखोरों को सूचना दी गई। इस पर लुनियापुर से दिलीप कहार, किशन कहार, योगेश कुमार, जगदीश कहार, दुर्गेश कहार मौके पर पहुंचे। पार्षद सुमित जोशी, जमादार दिलीप, तहसील कर्मी सुखराज चरण, चंपन सिंह, श्रवण सिंह आदि गोताखोरों के साथ दंपत्ति के रेस्क्यू में लग गए। नतीजतन नदी में फंसे दंपत्ति का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। जागरूक टीवी के आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।